मध्य कश्मीर के गांधरबल जिले के मानसबल के कोंडाबल क्षेत्र के निवासियों का आरोप। मानसबल विकास प्राधिकरण ने अज्ञात कारणों से कोंडाबल में नाली का निर्माण कार्य रोक दिया है। निवासियों का कहना है कि इस नाले का काम लगभग 80% पहले पूरा हो चुका है। अगर उन्हें संबंधित विभाग से कोई समस्या है तो उन्होंने इस नाले का निर्माण कार्य पहले क्यों नहीं रोका। हमेशा निसार हज बस रोजा कौन बल मानस बल कि कम चला ये गई चो रेत कम चला पत् पे करा कम करा करा आयस योतन ये पे रुको मैं त्रे लट इन इशू क्या तुम वन इशू क्या मसल क्या वन और करा रोप दवा तुला सामान तो वा ना दि लट अंदर अमन मसल वन यह लास्ट पीकस ये लगान वो कम दो जम आई आज बे डेवलपमेंट अथारटी वलिस मानसबल तुलुक सामान वामान सोरे कोरुक जबरदस्त दुख तु तूर आज दुख मसल क्या यम मोन वोन दुम करो सा बंद नशिम कथ बोजा नशिम कथ वन और बस बाक मसल ये बेप प्रॉब्लम अक लूकन से बिचार पकान वकान ना गाड़ी यप बना पकुन ना आवाम बना पकुन यप पकन बनान तुम वो यूा गंदगी से सड़क पे यह करो क्लियर बस यु सोन मुताल एन ओ सी यो कर्म ओत पतम लटि वो एन ओ सी तैयार पत गए मंगनी दुख वन सब करो सा कम दुख तुम करो कम तन पे गो बे रेट डोड रेत करा आज रुको यो बे कम लहरवल जनाब ड्रेन ड्रेन बहुत आज बनवा रेत खंड अच्छा रेत बोल चुर पुरा वर चुरा कह आज गो रात पे चुर चुर वुर चुर करान स्टार्ट कम कर सा बंद कम कर सा अब समझा क्या दल गई ये दुकानदार बहुत पान दुकानदार क्या कर तुम वो हालत क्या गुम दुकान रेत वो बनाना जनाब ये चलान रेत आज रेत मज आ कहें नफर योर आज बोझ मे तक सुबह आए नफर टूरिज्म मानसबल डिपार्टमेंट यह कर सम कर सा बंद अच्छा आव समझा यह क्या करा कम क्या करें बंद ऑन डिमांड जनाब यह गई ड्रेन मुकम्मल तो अस क्या अस वसान हे पहाड़ पे आब वाब सुत पे किलोमीटर दूर उस सड़क गसान फटान फटान योत आबस मे। वही एक्सियन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना गांधरबल शबे टाक ने कहा कि हमने निर्माण कार्य लगभग पूरा कर लिया है। हम मौके का दौरा करेंगे, उस नाले को पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे। उन्होंने कहा कि इस नाले के माध्यम से उनके घरों से वेस्टेज मटेरियल सीधा मानसबल झील में जाते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने उस नाले के निर्माण कार्य को रोक दिया है। ये बात मानसबल विकास प्राधिकरण के सीईओ मोहम्मद पट ने कही। ये रोड जो है बादामपोरा से ब्लॉक बाउंड्री सफापोरा वाया कोंदबल है, 6 किलोमीटर इसकी लेंथ है। इसमें पिछले 4 महीने से तकरीबन काम चल रहा है। मैं काफ़ी बार गया हूँ वहाँ पे, पहले भी एक दफ़ा जो है सीईओ साहब जो मानसबल डेवलपमेंट अथॉरिटी है उन्होंने काम रोका था, लेकिन फिर हमने जॉइंट इंस्पेक्शन उनके साथ किया। जॉइंट इंस्पेक्शन के बाद उन्होंने बोला कि हाँ ये ठीक है, आप इसमें प्रोटेक्शन वर्क कर लीजिए, ड्रेन बना लीजिए। तो हमने प्रोटेक्शन वर्क की है और पिछले 1.5 महीने से तकरीबन ड्रेन का काम बन चल रहा है। 130 मीटर तकरीबन ड्रेन बनाना था, जिसमें से हमने तकरीबन 100 मीटर पहले ही कंप्लीट किया है। अब मेरी नोटिस में अभी भी आया है कि उन्होंने जो है आज ड्रेन का काम बंद किया है। अभी मैं 3 बजे जाऊँगा, देखेंगे कि क्या मसला उनके साथ। हालांकि ये एरिया जो है ये हाई आल्टीट्यूड पे है, उनका कंसर्न ये है कि शायद ये डिस्पोजल जो है लेक में जाएगा, लेकिन ये पानी वैसे भी लेक में ही जाएगा, चाहे ड्रेन के थ्रू जाएगा या स्लोप के थ्रू जाएगा, क्योंकि रोड तो हायर आल्टीट्यूड पे है, पानी वैसे भी लेक में जाएगा, ऐसे भी लेक में जाएगा। एक्चुअली ये PMGSY वाले रोड बना रहे हैं, जो ये रोड बन रहा है ये सतकरेरी से शायद नजबल की तरफ जा रहा है ये रोड। उस पर एक्चुअली हमने लास्ट टाइम इनको काम बंद किया था बिकॉज दे हैव नॉट ऑब्टेन्ड द NOC फ्रॉम दिस ऑफिस। तो अकॉर्डिंगली जब उन्होंने अप्लाई किया तो उनको हमने NOC दे दी रोड के लिए, क्योंकि अब मसला ये उन्होंने बहुत सारी ज़मीन हमारी इनक्रोच की थी, 10-12 फीट ये आगे चले गए थे मानसबल लैक के शोर की तरफ। लेकिन जब मैं खुद भी गया मैं वहाँ पर तो मैंने देखा कि वहाँ पर ये 35-40 फुट का रोड बना रहे थे, लेकिन जब मैं गाँव में गया, गाँव में इनके पास 15 फीट भी रोड नहीं है। मैंने तब भी इनको कह दिया है कि अगर आप इतना रोड बनाना भी चाहते हो हमें कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि रोड हमारे लिए है, गाँव के लिए है, लोगों के लिए है, मगर पहले तो आप वहाँ से भी रोड बनाओ। एक तरफ से आप बना रहे हैं 40 फीट रोड, दूसरी तरफ से जो मैक्सिमम पोर्शन है उसमें 15 फीट रोड का आपका है, 15-16 फीट आपका टोटल रोड है। अगर वो गाँव में भी ऐसा रोड बनाना चाहते हैं, आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन। तो उन्होंने ये मान के तो उन्होंने हमने उनको डिमार्केशन दे दी, तो बहुत दे आर कंस्ट्रक्टिंग द रोड। सम 4-5 डेज बैक उन्होंने ये कह दिया, मैंने सुना है कि वहाँ वो ड्रेन भी बना रहे हैं। ये भी अब बताया गया है कि जो फुजला निकलता है इनके बाथरूमों से ये बाहर निकाल के मानसबल में डालना चाहते हैं। कीपिंग दैट थिंग इन व्यू हमने इनका काम फिलहाल रोक दिया है।
अब हमने कह दिया इनको कि हमने ऑलरेडी कल भी मैंने एक चिट्ठी निकाली है, मैंने डी साहब को भी उसमें रिक्वेस्ट किया और रेस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट जितने भी रूरल डेवलपमेंट है, फिशरीज़ है, PMGSY है या इरिगेशन फ्लड कंट्रोल महकमा जो जो इन द परिफेरी ऑफ द मानसबल लेक जो काम कर रहे हैं इनको रूरल मानसबल डेवलपमेंट अथॉरिटी से NOC सीख करनी चाहिए सो दैट कि दे विल टेल अस द पर्पस ऑफ द कंस्ट्रक्शन। अगर वो ड्रेन बनाना चाहते हैं क्यों बनाना चाहते हैं, अगर वो ड्रेन सपोज फुसने के लिए बना रहे हैं जो बाथरूम से पानी निकालते हैं ये लोग तो बाद में ले जाएंगे कहाँ पे, ये हमारे पास ऑलरेडी हम यहाँ पे एक STP बना रहे हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसमें इस वक्त काम हमारा चल रहा है, उसमें ये देखना है इनवर्ड स्लोप और आउटवर्ड स्लोप हमने देखना है, उसमें जो ड्रेन बनेगी वो मुनिसिपल डेवलपमेंट अथॉरिटी का प्रोजेक्ट में ही ऑलरेडी जो हमारा ऑलमोस्ट 5 करोड़ का प्रोजेक्ट है जो STP हम बना रहे हैं यहाँ पे, वो ड्रेन वो खुद बना लेंगे सो देट कि ये पता चले कि कहाँ से ड्रेन बनानी है, अदरवाइज अगर हम ड्रेन नीचे से ले जाएंगे तो फिर कहाँ से पानी चढ़ेगा ऊपर STP में। जो ड्रेन का काम है दैट इज़ द जॉब ऑफ द वो एक्चुअली जो हमारा डिपार्टमेंट है टूरिज्म डिपार्टमेंट वो ही बना रहा है, वो उस पर वो ड्रेन भी खुद ही बना रहे हैं, इट विल टेक सम टाइम, मुझे लगता है 2-4-5 महीने में वो ड्रेन भी वो खुद ही बना लेंगे। अगर ये ऐसी ड्रेनें बनाते जाएंगे तो दे ऑल द पर्पज ऑफ दिस इज़ कि वो मानसबल को ही ख़राब करना चाहते हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट फिलहाल हमने इसको रोक दिया है कि तब जब तक कि ना PMGS वाले ये बता दें कि वो दे आर कंस्ट्रक्टिंग दिस ड्रेन, वॉट इज द पर्पज, एज एंड वैन दे विल एक्सप्लेन इट देन वी विल सीट इट। डस्टबिन है वो रूरल डेवलपमेंट ने वहाँ पे डाली है, वो रूरल डेवलपमेंट का जूरिसडिक्शन है वहाँ पे, चूंकि वहाँ पे उन्होंने डस्टबिन दिए हैं वो शायद मुझे लगता है उठा भी रहे हैं शायद, अब कुछ दिन से मे बी दे माइट हैव नॉट टेकन इट बट दे विल बी लिफ्टिंग इट।